विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में दूसरे चरण की यात्रा तेजी पकड़ने लगी है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि यात्रा मार्ग सुचारू करने स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 15 दिनों में ही पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू करा दी थी, जबकि एक महीने में यात्रा पटरी पर लौट आई है। वहीं भारी बारिश के बावजूद जिलाधिकारी सौरभ गहलवार के प्रयासों से रिकॉर्ड समय में सभी यात्रियों को रेस्क्यू करने के साथ ही यात्रा दोबारा सुचारू कर दी गई। यूपी कानपुर से आए मनीष पांडे ने केदारनाथ धाम की यात्रा से उत्साहित होते हुए कहा कि उनके बचपन से केदारनाथ धाम में आने की इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में सारी व्यवस्थाएं उचित परिस्थितियों में बनी हुई हैं। इसके साथ ही मंदिर में भी दर्शन अच्छे तरीके से हो गए हैं और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो गई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जय बाबा केदार। 31 जुलाई की जो घटना थी उसमें अपना सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिंचोली, भीमबली, छोटी लिंचोली जो नुकसान हुआ था, रास्ता बंद हो गया था, और दूसरे चरण की जो यात्रा शुरू हुई है उसमें सभी लोगों को तैयारियों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, तीर्थ पुरोहितों को, जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से जो निःशुल्क हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, उसके लिए पूरी केदार घाटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। श्री केदार सभा केदारनाथ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि स्थानीय लोगों के द्वारा उन्होंने जो है निःशुल्क सेवा चलाई है, उसके लिए मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूँ उतना कम ही कम है। और मैं आशा करता हूँ जब जब भी कोई ऐसी घटना घटती है उनका सहयोग हमें पहले मिला है और भविष्य में उनका सहयोग हमें मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। और यहाँ रहने के लिए ठीक ठाक है और दर्शन भी अच्छे होते हैं। केदारनाथ का दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ है हमको, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है यहाँ, तो कुछ रहने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ पीने के लिए गर्म पानी भी मिलेगा, अच्छे तरह से व्यवस्था है यहाँ। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं, मेरी बचपन से मनोकामना थी कि मैं केदारनाथ धाम आऊँ और फाइनली मैं कल यहाँ पर आया और आज सुबह मैंने दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में सारी व्यवस्थाएं इस समय उचित परिस्थितियों में बनी हुई हैं और ज़्यादा रश नहीं है और जो अरेंजमेंट है वो भी ठीक है और मंदिर में दर्शन जो है वो भी सही तरीके से हो रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है, ना ठहरने की दिक्कत है, ना खाने पीने की दिक्कत है, सारी व्यवस्थाएँ जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं।